से रेफर होना पड़ता है, पर अब शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि अस्पताल को पूर्ण सुविधा युक्त करने की दिशा में राज्य के मंत्री ने पहल शुरू कर दी है। गढ़वा का सदर अस्पताल जो रेफरल अस्पताल के नाम से बदनाम हो रहा था, अब उसके दिन बहुरेंगे। मरीजों को अब अस्पताल आने पर रेफर नहीं किया जाएगा, बल्कि यहीं उनका समुचित इलाज हो सकेगा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की पहल पर गढ़वा सदर अस्पताल को 18 वेंटिलेटर और आईसीयू कक्ष मिला है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 18 वेंटिलेटर युक्त पूरी तरह से वातानुकूलित गहन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन किया। इस अस्पताल को पूरी तरह से हर एक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा, ताकि हमें यहां से जो आज तक इस जिला अस्पताल को एक रेफरल अस्पताल के रूप में एक धब्बा काला दाग लगा हुआ था, उस दाग को हम बहुत निकट भविष्य में हम दूर कर दें। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कोरोना काल में चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध करा रहे स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल डॉक्टर और प्रशासन के भरोसे नहीं, बल्कि सभी लोग मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे। वैक्सीन का भी अनुपालन करें, साफ सफाई रखें और इस कोरोना को भगाने में जब तक आम जनता का आपका सहयोग नहीं मिलेगा, तो सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारियों और डॉक्टरों के प्रयास से मुझे नहीं लगता है कि यह संभव होगा। गढ़वा सदर अस्पताल को मिली ये सौगात यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। अब जरूरत है कि इसका सदुपयोग हो। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। पलामू में निजी बीएड कॉलेज पर मनमानी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने मांग नहीं मानने पर आंदोलन और तेज करने की बात कही। आक्रोशित छात्रों ने नीलंबर पीतांबर विश्वविद्यालय तक पैदल मार्च कर अपना विरोध जताया।